हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं एक और नए व्लॉग के साथ। भाई आज का हमारा मूड हो रहा था कुछ इंडियन थाली खाने का। ओके तो हमने बोला इंडिया के टिकट कराओ, लेकिन वहाँ पे है भाई मसले। हमने बोला नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन थाली मिल जाती है। तो भाई मैंने अपने एक दोस्त को फोन करा है, हमारा शंटू बच्चा है वो। अच्छा। और थोड़ा राइडर भी है, शपाटर भी है, तो वो हमारे साथ मौजूद है और वो जाएगा हमारे साथ चकाई करने, चक चक मारने। ठीक है, ये जाएगा। समीर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र भाई। भाई चक मारने जा रहा हूँ, चलोगे? नहीं। हाँ चक मारेंगे। चलो भाई। तो भाई चक मारने वाला बंदा हमारे साथ तैयार है, तो बिना टाइम जाया करे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं। ये हमारे पीछे देखे ये भाई बैठे हैं, ये हमें इंडियन थाली बना के खिलाएंगे, बेहतरीन किस्म की। सुनने में आया था कि ये बनाते हैं पूरे दौरा जी के अंदर, बेहतरीन होती है। समीर भाई क्या कहते हो, मंगवा लें? तो निपटाना है तुम्हें, चक मारना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि फर्स्ट टाइम खा रहे हो इंडियन थाली, मेरी समझ नहीं आई, तो आप निपटाओगे? हाँ चक मारेंगे। बस सही है। चलो भाई फिर मैं बनवाता हूँ और उसको जरा तैयार करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंडियन थाली होती क्या है और कैसे बनती है। तो भाई ये मैं भाई के पास आ गया हूँ। पहले भी मैंने आपके गोलगप्पे खाए थे, बड़े ज़बरदस्त लगे थे। अब ये है कि कोई एक इंडियन थाली जो है ना ट्राई करते हैं। भाई कितने की इंडियन थाली की प्राइस क्या है? 350 रुपये की है। अभी इनसे बनवाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें भाई हमारी स्टार्ट हो गई है। ये क्या है? आलू। ये आलू डाला है। ये वाइट चने हो गए। ये मिर्ची है। आलू का मसाला, रायता, दही। ये तैयार हो गई चटनी, दही, काले चने, आलू, फिर से आलू भाई। कौन सा पानी? इमली का पानी। आलू का मसाला। पापड़ी ठीक है। चाट मसाला। दही बड़े का मसाला। किसका? दही बड़े का मसाला। क्या चीज है? स्लिम्स। पापड़ी, फिर से पापड़ी। तो भाई हमारी जो चीज थाली है ये हमारी तैयार हो गई है। अब इसको जरा चक मारते हैं और चेक करते हैं कि टेस्ट में और जायके में कैसी है। तो भाई ये हमारी थाली मौजूद है। समीर भाई ये तुम्हें निपटानी है, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। चकपक करेंगे हम, चकपक। बस बस, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है। और मुझे एक चीज़ याद आ गई है थाली देख के, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये याद आ रहा है अंदर भाई।
सबसे पहले हम लेते हैं चना चाट। अब मुझे नहीं पता इंडिया कहते हैं इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं कहते। चना चाट ये ले लिया भाई, चक मारे क्या? चक मारे भाई। चीज बहुत बढ़िया है यार, चीज बढ़िया है, मतलब थोड़ी मिर्चे वाली है लेकिन समझ आने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज ट्राई करते हैं, ये इनको लेस कहते हैं, लेस पापड़, 5 रुपए में 2। ये तो आम है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये है मैं सादे छोले, छोले मतलब बम बम बोले। अरे कहना क्या चाहते हो? ये चेक कर, वो ये बिल्कुल सादे, कोई मसाला मसाला नहीं है। और क्या है? चाय। ये कड़ी है भाई, कड़ी कड़ी है, ये रही कड़ी। मेरा लौटा ही चाय कड़ी है लेकिन चावल नहीं है। आपको यहाँ चम्मच से खानी है, अगर कड़ी चावल खाने तो चावल घर से ले आओ। कड़ी यहाँ मौजूद है, कड़ी समझ नहीं आ रही मुझे। अब एक और चीज है, ये ना, ये है खट्टे आलू। खट्टे आलू मतलब जो खाने में बेहतरीन होते हैं। अभी वो डाली हमने गोलगप्पे, अच्छा गोलगप्पे भी आपको खुद बनाने हैं, मतलब बने बनाए मिलते थे। डालने को तो मेरे पास सिर्फ चना ही है, इसमें 2-4 चने डालो और पानी में इसको मारो डुबकी। ये बहुत बढ़िया है, चीज बढ़िया है, आइटम हो गए सारे खत्म, सब चेक कर लिया, कड़ी भी चेक कर ली, चना चाट भी चेक कर लिया, पापड़ सलीम खट्टे आलू छोले। अब ये तो एक सादी पापड़ी, हमारे पाकिस्तानी खाने बेस्ट है भाई, इंडियन खाने तो नहीं समझ आ रहे, स्पाइसी बहुत है, मिर्चे बहुत है, क्या मतलब मैंने ज़्यादा मिर्चे डलवा दी हूँ। लेकिन ये शट्टू नहीं मिटा रहा है, चपाटा लड़का, इसलिए पूछने आप पता है। मसाला आपने बहुत तेज, जोर से वहाँ देख के बोलो, मसाला बहुत तेज करवा दिया हमने भाई आपने। अच्छा, जैसे चक तो बड़ा टाइट मारा हमने, ये निपटा देंगे भाई, यही निपटाएगा क्योंकि मेरे जो है तलवे में आग लग गई, ऊपर मिर्चे जो तलवा होता है ना वहाँ बड़ी मिर्चे लग गई, बहुत मिर्चे वाले स्पाइसी है। मैं समझिए ये जो काले हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किसी वजह से हो रहे, स्पाइसी खाना बहुत चल रहा है, हम तो नहीं खा सकते भाई। ये स्लिम्स हैं 10 रुपये की, 10 रुपये की, लेकिन मीठे हैं स्लिम्स, अभी मैंने चक मारा मीठा आया, मीठा है भाई बिल्कुल मीठा है। ये लेस हैं, मतलब जो होते हैं ना लेस 5 के 2, ये वाले हैं, लेकिन हमारे पास जो होता है लेस 30 रुपये का पैकेट हो गया हमारे लेस। हाँ भाई निपटाएंगे, हाल इनके आगे कर दिए, निपटाने के बाद आपको बता देंगे उन्होंने कितना निपटाया, मन करो भाई। मिर्चे लग गई हैं यकीन मानो, मेरे से तो हो ही नहीं रहा पूरा, जितना चक मारने की हिम्मत थी मैंने मान ली है। ये देखो भाई लगा हुआ है, लड़का सूतने में लगा हुआ है, सूत रहा है, पक्की बात है भरपूर भाई। हाँ हाँ भाई, ये निपटा दिया, दो दो चीज़ें निपटा सकते थे क्योंकि बाकी इसमें स्पाइसी बहुत है। क्या हुआ है, स्पाइसी नहीं खाया जा रहा? स्पाइसी बहुत खतरनाक है भाई, खतरनाक हो रहा है। जो जो हमसे निपटा हमने निपटा दिया, बाकी छोड़ दिया क्योंकि स्पाइसी बहुत हो रहा था। मैंने भाई को बोला नहीं था कि मिर्चे कम रखो, और वो समझ रहे थे कि हम लोग की शायद इंडिया मीडिया से आए हुए ये लपेट देंगे, लेकिन भाई चक मारने में जो ना आज हमारी हालत टाइट हो गई है, इसको तो फंदा भी लग गया। क्या हुआ? मिर्चे बहुत हो रही है यार, जो बाहर निकलते हैं कुछ देखते हैं, कुछ गला गीला करने वाला आइटम चेक करते हैं। पेमेंट करते हैं भाई, 350 रुपये की है, लेकिन ये है कि मतलब की नहीं है। भाई मंडाई वंडाई करके घर पे आ गए, लेकिन मिर्ची इतनी थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ भाई पाकिस्तानी फूड सबसे बेस्ट है, इंडियन फूड मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को जाने का। ये समीर भाई है, समीर भाई ईमानदार से बताओ स्पाइसी था नहीं था? बहुत स्पाइसी था भाई, भाई बहुत स्पाइसी था, हालत बुरी हो गई, तलवे के ऊपर जो है इतनी मिर्चें लग गई थी कि मैं बता नहीं सकता।
लेकिन यही है कि हमारा शंटू गया था तो एक दो मैंने पपियाँ ली हैं इसकी, तो जब जाके मेरा मन मीठा मीठा हुआ है, वरना जलन मच गई थी पूरे जिस्म के अंदर, इतनी स्पाइसी थी। तो इस ब्लॉग को भी हम यहीं पे करते हैं एंड, तो मिलते रहेंगे इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।